लगभग रात के 11:15 हो रहे हैं। बोतल हो चुकी है कंप्लीट, बोतल कंप्लीट होगी और अब अपने जाएंगे घर पे। लगभग रात के 11:15 हो गए, 2 बजे आए थे अपने। हेलो दोस्तों, अभी लगभग रात के 9 बज रहे हैं। तो बोतल लगाई है, ये देखो अभी पत्थरी का दर्द उठा था मेरे को, तो अभी आए हैं हॉस्पिटल। लगभग 2 साल में एक बार दर्द उठ ही जाता है, वो अपने आप बढ़ती है और अपने आप ही निकल जाती है। पहले दर्द को इलाके पेट में दर्द है। 10 मिनट में सारो कर दीजिए सर, खुल के बोलना जो भी मिले। आदमी नहीं थे, यूएसजी वगैरह करवा लियो गानी तो दिन बाद अपन देखांगा केस सही जाए, बिल्कुल तो सही जाए, लगाने की जरूरत है या कोई नहीं, फिर अपन कैन रिमूव कर देंगे। ठीक है, और की कौन पर ढक्कन कटे है, ढक यार के ठेले नीचे पड़े होगा। लगभग रात के 11:15 हो रही है, कंप्लीट बोतल कंप्लीट होगी और अब अपने जाएंगे घर पे। लगभग रात के 11:15 हो गए, 2 बजे आए थे अपने। जब हाथ में सुई लग गई हो और अपने कोट खोलना हो तो आइडिया होता तो मैं आपको। अब देखो ये पूरा पैक है, खुल नहीं रहा है। पहले इसको लड़ा है ऐसे 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 नीचे से, तो अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। पत्थरी का दर्द हो रहा है उसके लिए, ये देखो सुई अभी तक लगी हुई है। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा अपने पत्थरी कितनी एमएम की है। और अपने एक तो पत्थरी होती है पित्त की थैली में और एक होती है अपने गुर्दे में, तो मेरे है वो होनी चाहिए गुर्दे में, क्योंकि 1-2 साल में मेरे दर्द उठता है एक बार। तो पित्त की थैली वाली तो अपने को ऑपरेशन के द्वारा पित्त की थैली निकालनी पड़ती है, और ये जो गुर्दे में होती है वो
उसमें क्या है, तो भी दवाई लेते हैं या फिर ज़्यादा पानी पीने से या नींबू की शिकंजी पीने से वो क्या निकल जाती है, वो एक बार बनने लगती है तो वो फिर बनती है निकलती है बनती है निकलती है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो अभी जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या आता है। तो अल्ट्रासाउंड करा लिया अपनों ने, ये आ गई रिपोर्ट, ये देखो ये रिपोर्ट है। कल अपने विनोद शर्मा डॉक्टर है यहाँ पे सूरतगढ़ में, उसको दिखाया था नीलकंठ हॉस्पिटल। तो और अपने डिजायर है ये अल्ट्रासाउंड वाला, उससे करवाया अल्ट्रासाउंड और ये है रिपोर्ट। ठीक है, और ये डिजायर अल्ट्रासाउंड है, ये अपने रह जाता है जो गंगा जल मील का घर है उस गली में। और अभी अपने चलते हैं विनोद शर्मा को दिखाएंगे डॉक्टर को रिपोर्ट में क्या आया है। तो अपने ये रिपोर्ट चेक करवा दी है, ये सीधा ही व्हाट्सएप पे चेक करवाइए। जो कल राकेश था ना अपने, वो अपने मेरे भाई के साथ गीता ज्योति स्कूल में साथ में ही थे, वो वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में मिला था, तो उसको चेक करवाइए। उसने कहा ये 5.3 mm है ना, इस साइज की पथरी है, तो ये मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है, निकलने वाली है क्या ये, कोई इसमें लिखा हुआ है। तो अपने अभी क्या करेंगे, दवाई तो लेंगे नहीं और घर पर ही अपने 3-4 बार नींबू पानी पियेंगे तो उससे क्या है ये पथरी निकल जाएगी। ठीक है, और दवाई क्या है ना, ये पथरी वाली बहुत ही ख़राब करती है, क्योंकि मैंने पहले ली हुई है तो क्या होता है कि पानी की कमी आ जाती है इसमें, जितना ही पानी पीते हैं 1 गिलास पानी पीते हैं 2 गिलास तो निकल जाता है, तो वो अपने फिर शरीर को खराब ही करती है ये। तो अभी अपने चलते हैं घर पे, और बाकी रिपोर्ट तो कोई ज़्यादा खास आई नहीं है, पथरी छोटी आई है। और वो एक बात और बतानी थी, पथरी का अगर गुर्दे में पथरी और दर्द होना, दर्द बहुत तेज होता है, ऐसा नहीं दर्द होता है, तो उसके लिए मेरे को राकेश ने बताया था, एक टीके के बारे में बताया था, वो मैं आपको अभी साइड में स्क्रीन में बता दूंगा पूछ के। ठीक है, तो वो टीका अपने पास में रखना चाहिए, जिसको भी पथरी का दर्द उठता हो ना तो वो अपने टीका कहीं से भी लगवा ले अगर अपने पास हो तो।